बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास टू की मॉडर्न इंग्लिश पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 द ट्रैप की जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन में क्वेश्चन नंबर 1 है, Why was the road unhappy? ठीक है जी, तो इसका आंसर देखिए, Because people walked and rode all over it and threw rubbish on it. How did people hunt the trees? Answer, They took its fruit and cut its branches. C part, Who let the tiger out of the trap? Answer, A boy. D. Who put the tiger back in the trap? Answer, The jackal. E part, Do you think that the bucket was very strong? Answer, yes, because it worked hard full day. आगे हमारे पास true false आ जाते हैं। The bullock was pulling a cart, false. The trap was very strong, true. The tree helped the boy, false. Next page. The boy was not very honest, false. The jackal was very clever, true. अब बी है वर्किंग वर्ड्स, यानी आपने अल्फाजों के साथ काम करना है। ए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इसमें आपने जो अल्फाज गिवन है इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपके साथ इनके सेंटेंसेस शेयर कर देती हूँ। मोर ओवर अगर आप खुद से भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। पहला वर्ड है फ्रेंड। अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इमीडिएटली, Ali went to school immediately. Rubbish, do not throw rubbish on the road. Awayful, your writing is awayful. Lucky, Ali is a lucky boy. ये थी जी word sentences. अब हम next question की तरफ चलते हैं जिसमें filling the blanks आपने fill करनी है. पहली blank है, the jackal decided to help him. They will not agree To save me. This is an awful trap. I can't get through the bar. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये जो दो है, दो पार्ट्स आगे क्वेश्चन नंबर 3 के गिवन है जिसमें हमने अल्फाबेटिकली इन वर्ड्स को अरेंज करना है। तो चलिए अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए वर्ड्स देख लेते हैं। आप भी इसको जो है कॉपी पर या बुक पर जहां भी नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पहला एक आएगा बैग्स, ईयर्स, नाइफ, आउल, पार्ट। फिर आया ड्रिंक, ड्रॉप, इंक, शर्ट, एम्पायर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है उसमें वो कह रहे हैं कि इनको कॉन्सनेंट्स और वॉवल्स की फॉर्म में अलग अलग कॉलम में लिखें जो आपने ये वर्ड्स हैं ऊपर गिवन है आपको इनके। तो मैं आपके साथ इसका आंसर शेयर करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरह से कुछ आपने कॉन्सनेंट्स और वॉवल अलग अलग करने हैं। बेसिकली वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा बाकी सारे जो अल्फाज हैं, जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सनेंट्स कहलाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट उस पर चलते हैं जी। कॉलम को आपने मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। पहले देख लें, कॉलम ए में है A thing made of wood with two wheels, a cart. Next, a thing made of metal and rod, a knife. A thing made up of cotton, shirt. A thing made of glass, mirror. A thing made up of paper, book. अब हमने negative sentences बनाने हैं, हमें जो है simple sentences given है। पहला देखिए क्या बनेगा, द बॉय वॉज नॉट सैड। नेक्स्ट बनेगा,
बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। टोल्ड की जगह हम टेल लगाएंगे क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स। द ट्री डू नॉट लॉफ। लॉफ्ट नहीं आएगा, अब यहां लॉफ आ जाएगा। द टाइगर डिड नॉट कैच, कॉट की जगह कैच, होल्ड ऑन द बॉय। अब यहां देखिए जी, आगे हमारे पास कुछ बबल्स हैं जिनको आपने फिलअप करना है, यानी इमेजिनेशन में आपको देखिए ये तीन बबल्स दिए हुए हैं, आगे आपने मजीद तीन और बबल्स खुद बनाकर इमेजिनेशन के थ्रू स्पीच को मुकम्मल करना है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए में लिखेंगे प्लीज कैन यू हेल्प मी। बी कहता है यस हाउ कैन आई हेल्प यू। ए आई नीड सम बुक्स फॉर रीडिंग। बी श्योर आई विल गिव यू सम बुक्स। नेक्स्ट ए कहता है थैंक यू। बी कहता है यू आर वेलकम। आगे देखिए, आगे हमारे पास कॉम्पोजिशन आ जाता है। कॉम्पोजिशन में वो कह रहे हैं कि आपने जो है आगे की जो स्टोरी है बतानी है कि अगर टाइगर दोबारा से जो है ट्रैप को तोड़ देता है तो फिर उसके बाद क्या होगा और वो किस तरह से उस ट्रैप को तोड़ पाएगा। आंसर देख लें इसका, ये हमारा कॉम्पोजिशन का आंसर है। इस तरह से आपने राइट कर लेना है इसको, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप सबने। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 3 द ट्रैप की जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो शेयर किया है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।